Hey viewers, welcome to my channel. This is SL Rahil. Viewers, आज हम डिस्कस करेंगे अपील। CPC में सेक्शन 96 से लेकर 112 तक CPC की प्रोविजन दी गई है और साथ में कुछ कनेक्टेड ऑर्डर्स भी हैं। इन ऑर्डर्स को भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले, इस प्रोविजन को इस्तेमाल करने से पहले हमें एक चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। इस प्रोविजन पे बात करने से पहले हम एक बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि अपील फाइल करना हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ना ही हमारा इनहेरिट राइट है। अपील फाइल करना हमारा स्टैच्यूटरी राइट है जो कि स्टैच्यू में दिया गया है। अब यहाँ क्या प्रोविजन दी गई है सीपीसी में, इनमें क्या बातें की गई हैं, इन पर बात करने से पहले हम इनको, इन सेक्शंस को एक डायग्राम के जरिए सीख लेते हैं या डायग्राम के जरिए बात कर लेते हैं। जैसा कि सेक्शन 96 से लेकर 98 तक, 96 से लेकर 99A तक और ऑर्डर 41 तक फॉर्म ओरिजिनल डिग्री, ठीक है जी, ओरिजिनल डिग्री को डील करता है। फिर उसके बाद सेक्शन 100, 103 ऑर्डर 42 डील करता है एप्लर को, एप्लर डिग्री को। फिर उसके बाद ऑडिटी प्रोविजन है जो सेक्शन 104 से लेकर 106 तक दी गई है। फिर उसके बाद जनरल प्रोविजन है जो सेक्शन 100 से लेकर 108 तक दी गई है। फिर उसके बाद ऑर्डर है जो इंडिजन पर्सन की तरफ से अपील फाइल होती है उसकी बात करता है ऑर्डर 44। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो अपील जाती है 109 से लेकर 112 तक और ऑर्डर 45। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, आगे हम उनको मजीद डिटेल से स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अब जैसे कि सेक्शन 96 है और सब क्लास 1 है जो कह रही है कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, ठीक है जी, एवरी डिग्री पास एवरी कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। और सेक्शन 96 की सब क्लास 1 कह रही है कि हर डिग्री जो भी है उसकी अपील फाइल हो सकती है, यानी कि सब डिग्री की अपील फाइल हो सकती है 96 सब क्लास 1 के अकॉर्डिंग। अब इसको मजीद आगे लेके चलते हैं कि कहीं कोई और प्रोविजन भी दी गई है, उसमें क्या कहा गया है, उसको आगे लेके चलते हैं फर्दर। 96 सब क्लास है जी 2, एक्स पार्टी दी गई 96 सब क्लास 2 एक्स पार्टी डिग्री की बात करते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है कि 96 सब सेक्शन 2 के तहत कि किसी कोर्ट ने डिग्री पास की एक्स पार्टी तो उसके खिलाफ भी अपील फाइल हो सकती है। ए और बी बीच में पार्टी है, ए ने केस फाइल किया बी के खिलाफ और बी बीच में हाजिर ना आया, अपेयर ना हुआ, उसे ना कोई नोटिस मिला ना कोई वास्ता मिला, वो एक्स पार्टी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो गई। जब प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो एक्स पार्टी एविडेंस के बाद एक्स पार्टी डिग्री ए को मिल गई, तो बी को जब पता चला तो बी एक्स पार्टी डिग्री की अपील फाइल कर सकता है, ठीक है जी। यानी कि सिंपल ये है कि 96 सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी सब क्लास 2 कह रही है कि कोई भी कोर्ट अगर एक्स पार्टी डिग्री फाइल पास करती है तो उसकी अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है। अब सब क्लास 3 है, 96 सब क्लास 3 है, सेम डिग्री कौन, सेम डिग्री सेक्शन 96 सब क्लास 3 हमें बात कर रही है, हमें बता रही है। यहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन 93 सब क्लास 3
कोई भी कंसेंट डिग्री अगर पास हुई है तो उसकी अपील फाइल नहीं हो सकती। उसकी अपील फाइल क्यों नहीं हो सकती? जैसे ए और बी दो पार्टियां हैं, उनके दरमियान केस अदालत में समाप्त है, ए और बी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, राजीनामा कर लेते हैं और राजीनामा लिख लेते हैं इन रिटर्न और उसको अदालत में फाइल कर देते हैं कि ये हमारा राजीनामा हो गया है और ये हम उसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं राजीनामे का। तो कोर्ट ने सेटिस्फाइड की, ठीक है, कि ये राजीनामा वैलिड एंड ही है। अगर तो राजी और कोर्ट सेटिस्फेक्शन हो गई, उसकी बेस पर कॉन्सेंट डिग्री कोर्ट ने जारी कर दी। अब कॉन्सेंट जब डिग्री जारी कर दी तो उसकी अपील फाइल नहीं हो सकती क्योंकि वो रजाकाराना तौर पर डिग्री जारी की गई थी। ये सेक्शन 96 सब क्लास 3 कह रही है कि कॉन्सेंट डिग्री की अपील फाइल नहीं हो सकती। आगे आ जाते हैं जी, 96 सब क्लास फोर है हमारे पास, स्मॉल केसेस। स्मॉल कोर्ट हमें बता रही है, यानी कि सेक्शन 96 सब क्लास 4 हमें बता रहा है कि स्मॉल कोर्ट्स ने अगर कोई डिग्री पास की जिसकी मालियत 10,000 रुपया थी या जो सब्जेक्ट मैटर के मुताबिक वैल्यूएशन उसकी 10,000 थी और स्मॉल कोर्ट्स की ज्यूरिडिक्शन भी 10,000 थी तो उसकी अपील फाइल नहीं हो सकती। अगर क्वेश्चन इन ऑफ लॉ है इस केस में जिसमें डिग्री पास की गई है तो फिर उसकी अपील फाइल की जा सकती है। लॉ का मतलब किसी ने प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं की या ज्यूरिडिक्शन नहीं थी या लिमिटेशन बार ऑफ लिमिटेशन थी, या बार ऑफ लिमिट थी तो फिर तो अपील फाइल की जा सकती है अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ बीच में थे, अदरवाइज उसकी अपील फाइल नहीं की जा सकती। ये सेक्शन 96 का इसकी क्लास 4 ही थी और जो 4 ही हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है जी। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ फिर आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन 97 क्या बात कर रहा है? अपील और फाइनल डिग्री नोट और पुट फ्रॉम सिंपल है, समझ लगती है। सेक्शन 97 हमें बता रहा है कि अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री नॉट फ्रॉम पार्लियामेंट डिग्री, मतलब किसी कोर्ट में केस फाइल हुआ उसमें चार पार्टियां हैं, ठीक है, वो चार पार्टियां हैं उसमें पार्लियामेंट डिग्री पास की गई कोर्ट की तरफ से कि जनाब इन सब का 1/3 शेयर है। अब किसी को एतराज है उन चारों पार्टीज में से, यानी कि अगर कोई कहता है कि मेरा 2/3 है या मेरा 3/3 है, यानी कि 1/3 नहीं है, तो उसने उसी डिग्री पार्लियामेंट डिग्री की अगर अपील फाइल नहीं की विद इन लिमिट तो उसी के बेस पर कोर्ट ने फाइनल डिग्री पास कर दी। तो जब फाइनल डिग्री पास कर दी तो फाइनल डिग्री को लेकर अदालत में गए तो पार्लियामेंट डिग्री की बात नहीं की जाएगी और ना ही एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक हो गया। यानी कि अगर हमने अग्री पर्सन ने विद इन लिमिट पार्लियामेंट डिग्री की अपील फाइल नहीं की विद इन लिमिट तो फाइनल डिग्री पर उसकी बात पार्लियामेंट डिग्री की बात नहीं की जाएगी, ठीक है जी। सेक्शन 97 हमें क्लियरली बता रहा है कि डिग्री पार्लियामेंट डिग्री की अगर आपने अपील फाइल नहीं की तो फाइनल डिग्री पे आप पार्लियामेंट डिग्री के इशू को रेज नहीं कर सकते, क्लियर। आगे आज सेक्शन 98
डिसीजन सॉरी डिसीजन बाय बाय डिसीजन बाय हेयर टू और मोर जजेस। सेक्शन 96 98 हम बता रहे हैं जहां पर भी कोई दो या दो से ज्यादा जज समाप्त करेंगे और डिसीजन उन्हीं का माना जाएगा जो मेजोरिटी में होगा। मिसाल है अगर तीन जज हैं तो दो ने एक फैसला दिया है और एक ने इख्तलाफी नोट दिया है तो दो जजिस का फैसला मेजोरिटी के साथ होगा तो वो माना जाएगा। और अगर आगे जाके हमें 98 की क्लॉज बता रही है कि अगर चार जजिस का बेंच है तो दो ने एक फैसला किया और दो ने एक फैसला किया और फैसला नहीं हो पा रहा किसी पॉइंट्स के ऊपर तो फिर क्या किया जाएगा। जजिस का बेंच है और फैसला नहीं हो पा रहा चारों में दो ने एक फैसला सुनाया दो ने एक फैसला सुनाया उसमें मेजोरिटी नहीं आ पा रही तो फिर सब सेक्शन 98 सब क्लास 2 में बता रही है कि उसमें फिर परविजो इवन पॉइंट ऑफ लॉ यानी कि उसके तहत जो पॉइंट दोनों जजेस के निकल रहे हैं उनको किसी तीसरे जज के पास भेजा जाएगा वो तीसरा जज जो फैसला करेगा वही फैसला मेजोरिटी में गिना जाएगा यानी कि फिर 3/2 का फैसला हो जाएगा और उसमें तीन जजेस की मेजोरिटी आ जाएगी। मतलब तीसरे जज के पास पॉइंट ऑफ लॉ को भेजने का मतलब यह है कि फैसले में मेजोरिटी आ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी डिग्री या कोई फैसला आया है दोनों पार्टियों को सुनकर तो डिग्री रिवाइज रिवाइज मॉडिफाई और रिवाइज मॉडिफाई रिमाइंडर या वैलिड नहीं हो सकती दोनों पार्टियों को सुनकर अगर फैसला आया है। हाँ, कब रिवाइज हो सकती है कि जब रिसेसरी पार्टीज बीच में मेंशन ना की गई हो रिसेसरी पार्टी के बगैर कोई डिग्री पास करवाई गई हो तब ये डिग्री रिवाइज भी हो सकती है रिमाइंड भी हो सकती है वैलिड भी हो सकती है। अदरवाइज उसके बगैर ये डिग्री ना रिवाइज हो सकती है ना रिमाइंडेड हो सकती है और ना ही वैलिड हो सकती है। सेक्शन 99 हमें ये बता रहा है। ठीक है, 99A को समझने के लिए आपको सेक्शन 47 और सीपीसी समझना पड़ेगा या थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको लेके चलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा रीड करता हूँ आपके सामने। सेक्शन 47 असल में है जी क्वेश्चन डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूशन कोर्ट। ठीक है जी, और दे आर रिप्रेजेंटेटिव जो भी कोई डिग्री होता है फैसला होता है उसके एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूट कोर्ट में जाया जाता है और एग्जीक्यूट कोर्ट जो उनसे है वो क्वेश्चन राइज होते हैं तो उनको डिटरमाइन करती है उनके रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान या पार्टीज के दरमियान उसका उसको डिटरमाइंड करने के बाद अपना फैसला अनाउंस करके वो एग्जीक्यूट डिग्री एग्जीक्यूट करवाती है। तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में चले गए, एग्जीक्यूट ने अपने ऑर्डर में जिक्र किया पोजेशन का और मीन प्रॉफिट का और मीन प्रॉफिट 20 लाख था, एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने 17 लाख कर दिया और पोजेशन का जिक्र ही नहीं किया। जब पोजेशन का जिक्र नहीं किया तो अगली पर्सन पार्टी जो सी है वो चलेगी अपील में सेक्शन 99A की तरफ और जब वो गई ऑर्डर ऑफ 47 इफेक्ट डिसीजन ऑफ द केस कहाँ पे एरर डिफेक्ट और इरेगुलरिटी। ठीक है, वो जब गए तो जब देखेंगे कि भाई एग्जीक्यूटिव कोर्ट ने 17 लाख तो चलो किया 20 लाख गए 17 लाख मीन प्रॉफिट तो कर दिया लेकिन पोजेशन का जिक्र नहीं किया तो जब पोजेशन का जिक्र नहीं हुआ तो अगली पर्सन को फायदा तो कोई ना हुआ। अगली पर्सन आगे चला गया सेक्शन 99A के तहत एपलर कोर्ट में और एपलर कोर्ट से जो ऑर्डर है 47 का
वो रिवाइज भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। तो ये था सेक्शन 19(9A), अमीद आपको समझ आ गई होगी। कोई भी सेक्शन 47 के तहत एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो जिससे भी अग्रीव होते हैं वो आगे अपील कोर्ट में जा सकता है सेक्शन 99(a) के तहत और फैसले को रिवाइज या वैलिड करवा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।